दुनिया को ये बताना है कि इस कंट्रोल लाइन को खत्म किया जाए और कश्मीर के जो टुकड़े हैं उनको जोड़कर हमारी रियासत की वहदत को बहाल किया जाए। जितने भी हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं वो इस धरने को मामूली ना समझें। सारे लोग यहाँ पर बैठे, यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे मौजूद हैं, वो इस मुल्क का। एक बात हमेशा याद रखें कि जो क्यादत कहती है, जो पार्टी कहती है, जो तंजीम कहती है, उसको फॉलो करने की कोशिश किया करें। अपने अपने इनफरादी जज्बात जो लोगों के हैं उसको फॉलो मत करें। जब आप ये स्टेज के पीछे, पहले भी मैंने कहा ये लोग जो ऊपर खड़े हैं मेहरबानी करें और नीचे चले जाएं। ये जितने भी लोग जो अहले अकल हैं और जो समझ बूझ रखते हैं वो मेहरबानी करके नीचे और बैठ जाए। आपके कपड़े वतन के लिए अगर एक दिन खराब हो गए तो इससे कोई बड़ी क्यामत नहीं आएगी, घर जाके धो लेना। सारे लोग यहाँ पर धरना दें मेहरबानी से, और जो हमारे इस धरने के नारे हैं मैं आराम आराम से नारे लगाऊंगा, आप प्लीज जवाब दीजिएगा। जबरी नाटो को ये इतना जोर से बोले कि उस पार इस पार जो भी फौजी बैठे हुए हैं उन सब तक ये आवाज जाए और मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक जाए। जबरी नाते तोड़ दो, जबरी नाते तोड़ दो, जबरी नाते तोड़ दो। पाकिस्तानी फौजियों, हिंदुस्तानी फौजियों, पाकिस्तानी एजेंसियों, हिंदुस्तानी एजेंसियों, पाकिस्तानी एजेंट, हिंदुस्तानी एजेंट, जोर से जवाब दे। हम सब क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, हाथ खड़े करके जवाब दे। हम सब क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, हम सब क्या चाहते, इंडिया से लेंगे, इंडिया से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, पाकिस्तान से लेंगे, कश्मीरी मांगे, श्रीनगर में मांगे, पटरी में मांगे, मुजफ्फराबाद में मांगे, गिलगित में मांगे, जम्मू में मांगे। है हक तुम्हारा, है हक तुम्हारा, हम छीन के लेंगे। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, इंडिया को बता दो, पाकिस्तान को सुना दो, जरदारी सुन ले, मनमोहन सुन ले, कल्याणी सुन ले, गिलानी सुन ले, अतीक भी सुन ले, उमर अब्दुल्ला भी सुन ले। कश्मीरी मांगे, कश्मीरी मांगे, कश्मीरी मांगे। इसके बाद जो भी कायदीन तकरीर करेंगे, मुसलमान धरने की मेहमान खुसूसी चेयरमैन जम्मू कश्मीर लिबरेशन लिबरेशन फ्रंट सरदार सगीर साहब होंगे, और तमाम आवाज से गुजारिश की जाती है कि जो लोग तकरीर मुकर्रर आने वाले, वक्त चूंकि बहुत कम है, अंताई मुख्तसर अपनी बात करें और ताकि जो लोग यहाँ पर तशरीफ फरमाए वो मसली की आदत को खुद सुन सके। मैं जम्मू अजमन ताजमहल शहरी के सेक्रेटरी जनरल अजीम काशिर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने अखलाक का इजहार करें। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। चलता सूरज, चलता सूरज मजबूर सही, चलता सूरज मजबूर नहीं। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन जनाब सरदार सगीर एडवोकेट साहब, जनाब अमित भट्ट साहब, असाक शेर यार साहब और चीफ ऑर्गेनाइजर साजिद सिद्दीकी साहब और दीगर जो दूर दूर से आए हुए लोग हैं, मैं उनको 70 लाइन ऑफ कंट्रोल का खुश आमदेद कहता हूँ। तो मैं आज तमाम हजरात से सबसे पहले माफी चाहूंगा, उसके बाद मैं ये आप सब पे आया है कि मैं बहुत अच्छा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ वाबस्ता रहा हूँ। तकरीबन 20 साल से मेरी खिदमत है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट।
मैं सबसे पहले उन गस्बों से ये अपील करूंगा कि वो वक्त करीब आ गया है कि जब तुम लोगों को ये कश्मीरी, ये नौजवान कश्मीरी लाते मारकर यहां से भगाएं।